हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेकफेट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज बहुत दिनों बाद, काफी अरसे के बाद हम आपके सामने फिर से है उपस्थित हुए हैं। और सातवें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर के अब आपको जो है लगातार कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और उसके बारे में जो कुछ भी जानकारियां हैं शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए शिक्षक बहाली से संबंधित कि किस प्रकार से आवेदन वगैरह की प्रक्रिया होती है या नई शिक्षक बहाली भर्ती प्रक्रिया में क्या नई नियमावली आ सकती है, इन सब चीजों के बारे में जो है आपको पूरी जानकारी अब हमारे चैनल पर फिर से जो है मिलना शुरू हो जाएगी। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो है दोबारा से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, या जो भी नए शिक्षक अभ्यर्थी अभी हमसे जो है जुड़ना चाहते हैं वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियो को जो है ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन सभी तक जो है पहुंच सके। तो आज का जो वीडियो है वो भी जो है बिहार प्रारंभिक शिक्षक बहाली भर्ती प्रक्रिया के बारे में है जो कि सातवें चरण से संबंधित है। आप लोग देख रहे हैं लगातार हर तरीके की आनाकानी करने के बावजूद भी, जबकि कहा गया था कि जुलाई 2022 तक जो है सातवें चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, लेकिन अभी लास्ट मिनट ने देखा कि जो है सातवें चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को शुरू तो नहीं किया गया, लेकिन इसके साथ ही छठवें चरण की जो है अगले चरण की काउंसलिंग की डेट जो है दे दी गई और अभी तक छठा चरण भी समाप्त नहीं हुआ है। तो इसी प्रारंभिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो कि सातवें चरण से संबंधित है, इसको लेकर के जो है आज के समय यानी आज के दिन 2 अप्रैल रविवार को शाम को जो है आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों से जो है अनुरोध किया गया है बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ की तरफ से। जी हाँ, बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ की तरफ से एक अनुरोध आप लोगों से किया गया है कि आज जो है 2 मार्च 2023 को प्रदेश संयोजक जो बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के हैं कुमार सत्यम और प्रदेश प्रवक्ता अग्नि सिंह ने सातवें चरण की शिक्षक बहाली की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों से जो है आज शाम को सड़क पर जो है कैंडल मार्च जो है निकालने के लिए कहा है और ये कैंडल मार्च पूरे 38 जिलों में निकाले जाएंगे और डेट आज की कंफर्म है 2 अप्रैल 2023 को। जो भी प्रारंभिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं सातवें चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की राह देख रहे हैं, इन सभी से जो है रिक्वेस्ट है कि आज 2 मार्च 2023 को रविवार के दिन शाम को जो है कैंडल मार्च जो है शांतिपूर्वक निकाला जाए और किसी को किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचानी है, ना ही किसी प्रकार की क्षति या नुकसान करना है। इन सब चीजों को जो है ध्यान रख करके आपको शांतिपूर्वक जो है कैंडल मार्च निकालना है और सातवें चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की मांग को सरकार के सामने जो है रखना है ताकि जुलाई तक जो है कम से कम जो है सातवें चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सके। और इसके लिए अन्य भी और वीडियो आपके सामने लेकर के आएंगे, नियमावली से संबंधित होगी, आवेदन प्रक्रिया से संबंधित होगी और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन अब आपको मिलती रहेगी। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।